डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स पंक्चुएशन का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आजकल और पैरेंथेसिस या डबल डैश वो पंक्चुएशन मार्क है जिसकी हम अभी बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे ये दोनों डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट को बोलते हैं और डबल डैश इस तरह से दो डैश होती हैं और इनके दरम्या में कुछ वर्ड्स होते हैं ये दोनों डिफरेंट अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स हैं लेकिन हम इनको, इनको इकट्ठा इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इन दोनों का फंक्शन एक है इन दोनों का रोल एक है यूज एक है एग्जाम्पल से हमें यह पता चलेगा ही गेंड फ्रॉम हेवन अ फ्रेंड ये एक सेंटेंस है उसके दरम्यान में ये आर्ट ऑफ की है बात इट वॉज ऑल ही बेस्ट यानी कि कोई भी फ्रेज या क्लॉज कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस जो बाकी सेंटेंस से ग्रामेटिकली अलाइंट नहीं होता एडिशनल होता है ख़ाम खा आटा पकता है दरमियान में किसी भी वजह से कोई मीनिंग देने के लिए उसको हम कहते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैरेंथिस या डबल डैश तो आप फर्स्ट एग्जांपल में देख लें तो पैरेंथिस यूज़ हुए हैं सेकंड एग्जांपल में यूज दे, देख लें तो आप इसमें देख सकते हैं कि डबल डैश यूज़ हुआ है बिल्कुल इसी तरह से थर्ड और फोर्थ में भी कॉल इट इफ़ यू प्लीज रिजॉल्व वेल ठीक है यही चीज़ इधर डबल डैश में भी है तो मतलब दोनों का यूज़ एक ही है और यूज़ क्या है कि अगर कोई एडिशनल जो फ्रेज़ या क्लॉज आर्टअप के दरम्या में जो कि बाकी सेंटेंसे ग्रामीटिकली में अलाइंड ना हो ग्रामीटिकली अटैच ना हो ग्रामीटिकली तो उसके लिए हम पैरेंथसेज या डबल डैश यूज़ करते हैं एक ही इसका यूज़ है इसके अलावा इसके कोई यूज़ नहीं है दैट्स इट फॉर टुडे अल्लाह हाफि